डोकलाम विवाद के बाद चीन घटिया हरकतों पर उतर आया है। इसका नया मामला देखने को मिला है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, जहां पर बावन सीढ़ी के पास एक प्राइवेट स्कूल के सामने जूते की दुकान में चीन से बने हुए जूतों की एक खेप आई है, जिसके पैकिंग वाले डिब्बों पर तिरंगा बना हुआ है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया और काफी तादाद में लोग दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस फोर्स भी दुकान पर पहुंच गई और एसएसपी ने तिरंगे का निशान बने जूतों की पूरी खेप जब्त करने के निर्देश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बोरा शू कलेक्शन में पिछले दिनों पैकिंग में मेड इन चाइना जूतों की एक खेप आई थी। जब जूतों का ये डिब्बा खोला गया तो उसमें हर पैकिंग के ऊपर तिरंगा बना दिखाई दिया। इस मामले की जानकारी जैसे ही मीडिया को लगी तो इस दुकान में पहुंच गए। इस बीच किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने भी दल बल के साथ मौके पर आकर इस दुकान में जूतों की जांच की। इसमें पाया गया कि मेड इन चाइना लिखा हुआ जूते हैं, जिसके पैकिंग के दौरान डिब्बों पर तिरंगा बना हुआ है। इधर एसएसपी रेणुका देवी ने कहा है कि ये जूते रुद्रपुर के तमन्ना फुटवेयर नाम के सप्लायर से आए हैं। इन जूतों की पैकिंग के टॉप में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बनाया गया है, जो पहली नजर में तिरंगे का अपमान साबित होता है। इससे पहले भी अमेजॉन और दूसरी साइट्स पर तिरंगे की बनी हुई चप्पलें और जूतों को बेचा गया था। वायरल कीड़ा न्यूज़।